गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। सो अभी मैं बना रही हूँ, वैसे इवनिंग हो रही है पर ये वाला ब्लॉग मॉर्निंग में जाएगा तो इसलिए मैंने बोल दिया मॉर्निंग। मैं यहाँ पे बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है मुझे। मेरे घर में ना सबकी फेवरेट है। हमारे यहाँ बचपन में बहुत ज़्यादा भिंडी खाते थे हम लोग, बट अभी थोड़ा सा ना कम हो गई है। तो आज फाइनली भिंडी की सब्ज़ी बन रही है और इसके साथ बनेंगी पूड़ियाँ। बड़ा मन था यार भिंडी की सब्ज़ी और पूड़ी खाने का और रायता पीने का। मैं बिल्कुल सिंपल बनाती हूँ। ऑयल ले लिया, उसमें थोड़ा सा अजवाइन, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्ची क्योंकि मैंने भिंडी के साथ ही हरी मिर्ची काट ली है, और धनिया पाउडर डाल दिया। उसमें ऐड कर दी भिंडी और साथ में कटी हुई हरी मिर्ची। एंड इसके बाद मैंने नींबू डाला है, थोड़ा सा 1/4 नींबू, क्योंकि हल्दी नहीं, खटाई ख़त्म हो गई थी तो मैंने उसके लिए नींबू ऐड कर दिया। एंड मिक्स करके इसे कवर करके रख दिया। अभी कर रही हूँ आटा मलने की तैयारी। आटा लिया है, आटा तो लेंगे ऑब्वियसली। एंड उसमें ऐड किया मैंने थोड़ा सी अजवाइन और थोड़ा सा नमक। बस उसकी बनाई है पूड़ियाँ। भाई क्या मज़ा आया था यार, मतलब अमेजिंग। बहुत टेस्टी लगता है। हफ्ते में या 15 दिन में एक बार पूड़ी सब्जी खा लो ना तो बड़ा मज़ा आ जाता है। भिंडी ना मेरे बन के तैयार हो गई है और बहुत ही टेस्टी लग रही है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल गरम कर दिया है सरसों का और अभी मैं बनाने जा रही हूँ गरम गरम पूड़ियाँ। पता नहीं क्यों इतना मन किया कि आज ना पूड़ी सब्जी खाई जाए। और वरुण की तो अभी मीटिंग चल रही है, मीटिंग खत्म होने के बाद वो लेने जाएंगे छाछ, तो तड़के वाली छाछ, भिंडी की सब्जी और पूड़ी। वाह वाह वाह, मजा आ जाएगा। बन गई सब्जी पूड़ी। हमारे घर ना भिंडी की सब्जी बहुत ही कम बनती है क्योंकि वरुण को इतनी ज्यादा पसंद नहीं थी, बट अब तो अच्छी लगती है ना वरुण आपको? अब अच्छी लगती है। नहीं प्याज नहीं डाले, प्लेन बनाई है। और मम्मी ना मिर्ची का अचार लेकर आई थी। अचार नहीं, वो होती ना रेड वाली मिर्ची होती है जो मैं आपको दिखाई देती हूँ, भरमा जो बनाते हैं भर के उससे मसाले में, ये वाली। और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, स्पाइसी भी है, खट्टा भी है, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। तो ये भी खाएंगे। छाछ में लगा दूंगी तड़का तो वो भी हो जाएगा रायता। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों के साथ डिस्को पूड़ियां शेयर की थी यार, बहुत इजी होता है वो बनाना। किसी ने ट्राई की क्या मुझे बताना कमेंट करके, अगर ट्राई किया तो। अभी तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ बट सोच रही हूँ डिस्को ही बना देती हूँ, ज्यादा इजी है। आज का स्पेशल डिनर मैंने पूरी सेक ली है। यहाँ पे सब्जी ना पूरी निकाल ली क्योंकि कढ़ाई फिर खाली हो गई, जितनी बचेगी छोड़ देंगे इसी में। और ये एक मिर्च का चार, ये है हमारा रायता। रायता भी ओवरलोड हो गया है बट वी आर रेडी फॉर अवर स्पेशल सा डिनर। पूरी ये डेंटन है भटूरा टाइप्स। यस, डिनर खाने के बाद जो मजा आया ना अमेजिंग था। और हम लोग जाने वाले हैं अभी वॉक पर, बट उससे पहले मैं ना स्किन केयर करने वाली हूँ प्रॉपर, क्योंकि फिर वॉक पे चले जाएंगे और आके सो जाएंगे, तो स्किन केयर नाइट वाला करने वाली हूँ। सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। सो मैं यहाँ पे यूज करने वाली मामा अर्थ का विटामिन सी का फोमिंग फेस वॉश। अब विटामिन सी के बारे में तो क्या बोलूँ, आप सबको पता है आपकी स्किन को व्हाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग में हेल्प करता है। एंड इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन सी एंड टर्मरिक। अब टर्मरिक ना हमारा होता है कि हल्दी, चंदन, उपटन जो होता है ना स्किन में, काफी ज्यादा हेल्प करता है ग्लोइंग करने में स्किन को। सो ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है। एंड ये है मामा अर्थ। अब मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब केमिकल, SLS, पैराबिन फ्री होते हैं एंड इंडियन ब्रांड है, लाइक मेड इन इंडिया। तो मुझे तो लगता है कि यार हमेशा ना अपने कंट्री के ब्रांड को ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। एंड मोर ओवर आपको इसमें केमिकल फ्री ब्रांड मिल रहा है तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सो ये फोमिंग फेस वॉश है, ट्रेवल फ्रेंडली भी होता है। एंड इसमें जो आगे इस टाइप का ब्रेसेस होते हैं ना, ये वाले ब्रेसेस जो होते हैं, ये ना आपकी डेड स्किन की लेयर को भी रिमूव करता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल क्लीन फेस था, जस्ट सिंपली मैं फेस वॉश को लगा रही हूँ अपने पूरे फेस पर
एंड वाओ, मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं नायका पे, पर्पल पे, अमेजोन पे एंड मामाअर्थ की खुद की वेबसाइट पे। और एक चीज और बता देती हूँ, अगर आप मामाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, लुक एट मी, है ना, सो आप मामाअर्थ की वेबसाइट से जाके परचेज करो और वहां पे ना आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे VARU2021 तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। आई मीन वाओ, है ना, सो आप वहां से अप्लाई कर सकते हो। सारे प्रोडक्ट्स ऑल स्किन टाइप के लिए होते हैं। मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं डेली बेसिस पे यूज करती हूँ, इवन शैम्पू एंड कंडीशनर भी मामाअर्थ का ही यूज करती हूँ मैं। ये प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, मतलब ये जितना प्लास्टिक यूज करते हैं ना उससे कहीं ज्यादा ही रिसाइकल करते हैं। ये देखो मेरा फेस कितना क्लीन लग रहा है। पता है कुछ कमेंट्स आते हैं स्किन केयर और हेयर केयर रूटीन के लिए, तो मैं एक छोटा सा रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। आप प्रॉपर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाओ, खूब सारा पानी पियो एंड केमिकल फ्री प्रोडक्ट यूज करो अपनी स्किन पर, चाहे वो स्किन केयर हो चाहे वो मेकअप हो। जितना केमिकल फ्री आप ट्राई करोगे ना उतना आपकी स्किन सही रहेगी। और अभी मैं यूज करने वाली हूँ फेस सीरम, स्किन इल्यूमिनेटिंग फेस सीरम, और ये है विटामिन सी का। अगेन इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है टर्मरिक एंड विटामिन सी। इस तरह की इसकी पैकेजिंग है। अब आप सोचिए पूरी रात जब सीरम कोई विटामिन सी का हमारे फेस पर रहेगा, डेफिनेटली इट विल वर्क। एंड ये भी होने वाला है केमिकल फ्री, SLS, पैराबेन सब कुछ फ्री है, तो पूरी रात जब ये रहेगा ना तो ये बहुत अच्छा एक काम करेगा फेस पर एंड आपकी स्किन को ना एक प्रॉपर मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा एंड साथ में नरिश करेगा उसे। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो इसका जो लिंक है वो मिलेगा आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड इसका जो टेक्सचर है वो इस टाइप का मिल्की मिल्की टाइप का इसका टेक्सचर है। तो बस मैं ना और कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, ये दोनों चीज़ यूज़ करती हूँ, फेस वॉश करके विटामिन सी का सिरम लगा लेती हूँ एंड लिप बाम लगाती हूँ, दैट्स इट। विटामिन सी तो मतलब खाने के लिए भी आप यूज करोगे तो भी आपकी स्किन को ग्लो करेगा। इंटरनल और एक्सटर्नल जितना आप विटामिन सी का यूज करोगे उतना आपकी स्किन ग्लो होगी। तो इस टाइम तो वैसे भी ऑरेंज, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, कीवी और बहुत सारे फ्रूट्स में होता है विटामिन सी, तो वो इनटेक करो और बाकी का बाहर से इस टाइप के प्रोडक्ट्स आप लो विटामिन सी के, आपकी स्किन ना अपने आप इन्हेंस होगी। और कहीं ना कहीं आपकी जो डाइट है वो आपके हेयर पे भी डिपेंड करती है, तो हेयर के लिए भी ये चीज होती है। फास्ट कार लगा के हम लोग चले गए थे टहलने के लिए, अभी जस्ट टहल के आए हैं और हालत एकदम खस्ता हो गई है, मतलब मैं थक गई हूँ अच्छा खासा वाला। आके बस फोन चला रही थी और वरुण कर रहे हैं दूध गर्म, थोड़ा सा दूध पियेंगे, मिलती हूँ मैं आपसे फिर ना डायरेक्टली कल सुबह। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। म्यूट कर दिया आपने? हाँ, तो वरुण बना रहे हैं गरम 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 चाय 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 और ब्रेकफास्ट में। अभी तो वैसे मैंने रमाज सोक कर दिए थे, तो रमाज को बॉईल करने रख देते हैं। साथ में ना कल मैंने पूड़ी बनाई थी रात में, तो पूड़ी सब्जी बची थी तो हम वो भी गरम कर लेते हैं खाने के लिए। एंड आज आप मेरे ब्लॉग में कितने दिन के बाद देखे हो वरुण, आपको पता है? आप बताओ कितने दिन के बाद, कितने दिन के बाद? बहुत दिन के बाद। और पता है मेरे कल बहुत सारे कपड़े वैसे तो मिल गए हैं, बट जो मजा वरुण की टी शर्ट पहनने में, वो मजा दुनिया में कहीं नहीं है। है सही, आपने मेरे कपड़े हथियार किए। ये बिल्कुल नई टी शर्ट थी वरुण की जो मैंने फर्स्ट एयर मार ली। मिलेंगे तो सही, बचा लिया।
दोपहर का 1 बज रहा है, 1 नहीं 1:15 बज रहा है। और नाश्ता हम लोगों ने सुबह कर ही लिया था, लंच खाने का भी मन नहीं कर रहा। मैंने ना रमास की जो चाट है वो बना दी है, वरुण ने इवन खा लिया, मेरे रमास यहाँ पे बचे हुए हैं, तो थोड़ी देर में मैं रमास खाऊंगी। भैया आ गए हैं, काम तो हमारे घर का सारा खत्म हो गया है, लाइक जो होटल पर चल रहा था। बस पता है क्या हुआ है, थोड़ा सा ना लकड़ी बची थी, लकड़ी के 2 पीस बचे थे एंड थोड़ी सी मायका बची थी। तो हम लोगों ने क्या कहा है कि ये जो मैंने बालकनी में वार्डरोब बनवाई थी ना, ये वाली, इसमें जो ऊपर रेड वाली है इसमें मैं पार्टीशन डलवा रही हूँ। तो एक तो ये वाला चीज करवा रहे हैं, एक हम किचन में पार्टीशन डलवा रहे हैं। थोड़ी सी ही लकड़ी बची थी, बहुत ज्यादा, तो 2 जगह हम ना पार्टीशन डलवा रहे हैं। बस यही काम है, आज फिनिश हो जाएगा। वैसे सारा काम कल फिनिश हो गया है, फिनिशिंग वाला भी एंड मतलब टोटल काम ना कल फिनिश हो चुका है। तो आज ना बस ये चीज भी फिनिश हो जाएगी एंड फिर हम लोग बालकनी साफ कर देंगे। कल से बालकनी खाली हो जाएगी। वैसे पता है थोड़ी सी बालकनी साफ कर दी है, जितनी भी लकड़ी थी वो सब हमने दे दी है यहाँ पे, जो बालकनी में जो गैलरी एरिया साफ कर दिया ना लेडीज उनको, और वो ना चूल्हा चलाते हैं, तो वो लकड़ी ले गए थे, उन्होंने पहले ही बोल दिया था, तो मैंने उनको दे दी है। थोड़ी सी और बचेगी वो मैं कल दे दूंगी, तो आज बालकनी ना पूरी खाली हो जाएगी, साफ हो जाएगी, आज ही दे दूंगी मतलब शाम को, क्योंकि अभी ना 1 घंटे का काम होगा मैक्सिमम। और मैंने ना एक चीज़ और बनाई है, मैं दिखाती हूँ, चौकी बनवा ली है, ये देखो साइज भी इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड वाइट मायका थी, तो इस टाइप की ना पूजा वूजा करने के लिए चौकी बनवा ली है। इसको मैं अभी तो उठा के रख दूंगी, पर जैसे कि दिवाली की पूजा होती है या कोई भी पूजा होती है, इसको मैं मंदिर के आगे ही लगा लिया करूंगी, तो मंदिर की लेबल में हो जाएगी एंड इस पर ना पूरा अच्छे साइज की बनवाई, ताकि आप भगवान जी भी रख सको इस पर, सतिया और पूजा फूल सब कुछ इसी पर कर सको। तो मैंने ना काफी अच्छे खासे साइज की ही बनवा लिया है, ये देखो प्रॉपर इसका साइज वाइट मायका से। इस पर ना यहाँ पे बहुत ही टक्कर टेप लगा देंगे भैया नीचे के साइड। तो एक तो ये हमने बनवा ली है, क्योंकि यार जरूरी चीज होती है, मेरे पास ना एक भी चौकी नहीं है जो होती है ना चौकी, और मैंने ये चौकी से थोड़े बड़े साइज में बनवाई है, चौकी तो स्क्वायर में होती है, थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप में बनवाई है। तो बस यही चल रहा है, मैं सोच रही हूँ लंच की तैयारी करूँ, लंच में देखते हैं क्या बनेगा। और हाँ मेरे ना कर्टेन्स भी आ गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, बट अभी मैंने खोले नहीं है, आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में देखने को मिलेंगे, अभी तो जस्ट पैकेट ऐसे ही पैक्ड रखा है पैक। तो ये रहे कर्टेन्स, और बहुत ज़्यादा हैवी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद क्वालिटी वाइज अच्छे होंगे, क्योंकि ये देखो 7 पीस आए हैं कर्टेन के, इनको हम लोग खोलेंगे नेक्स्ट वाले व्लॉग में। एंड में सोच रही हूँ इस वाले व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वाले व्लॉग के साथ, एक अच्छे व्लॉग के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और भी बहुत सारे वीडियोज़ आप देख सको मेरे। ठीक है, बाय, टाटा।